वेलकम टू एवरी वन। आज से मैं क्लास 10 की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं चैप्टर ली हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होती है क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है। तो इससे रिलेटेड मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं। जब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम में, ठीक है, 4 मार्क्स आएगा या फिर 5 मार्क्स करेगा तो 5 मार्क्स आएगा। मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और कम से कम हमारे पास क्वेश्चन जो आती है एग्जाम में वो कम से कम 2 आएंगे या फिर 3 आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता है, क्या है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व होती है, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर को हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, सारे एग्जाम्पल के साथ, सारे क्वेश्चन जो होंगे एक्सरसाइज के उसके साथ पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और रही बात, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, 4-5 स्टूडेंट हो जाते हैं या फिर 10-20 स्टूडेंट हो जाते हैं, अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी स्कूल के होंगे खुद तो स्कूल में बता सकते हैं एक दूसरे को, या फिर हाँ स्कूल ही तो क्लास 10 तो स्कूल में ही होता है, तो स्कूल में बता सकते हैं या फिर दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट को बता सकते हैं कि यहाँ पे इस मीन्स इस चैनल पे क्लास 10 की क्लासेस होती है और बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। आप बता सकते हैं, आप ओवरव्यू अपना दे सकते हैं दूसरे स्टूडेंट को, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे फ्री क्लासेस होती है। फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। तो अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हैं और फिर हमको मैसेज कर देते हैं या फिर कमेंट कर दीजिए, या तो मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, तो आप कॉल करके बता सकते हैं। तो फिर मैं लाइव क्लासेस भी करवाने की कोशिश करूंगी, मैं लाइव क्लासेस भी करवा दूंगी, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, लाइव क्लासेस भी मैं करवा दूंगी, बट ग्रुप होनी चाहिए तब, सिंगल पर्सन को लाइव क्लासेस नहीं करवा सकते, ग्रुप होनी चाहिए तब जाके लाइव क्लासेस में करवा दूंगी, ठीक है। तब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे पहले जाने कि आप लोग पहले प्रीवियस में पढ़े होंगे ट्रायंगल, याद है कुछ, ट्रायंगल इस तरीके से पढ़े होंगे, इस तरीके से ट्रायंगल था। ट्राइंगल मीन्स क्या होता है, ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल मीन्स ये वाले एंगल जो होते हैं, ठीक है, तो ट्राई एंगल मीन्स 3 एंगल जिसमें बनती है और उससे कवर हो जाती है जो भी हमारा प्लेन कवर होती है, दिस इज ट्राइंगल, ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल। तो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री का ट्राइंगल, 90 डिग्री का ट्राइंगल याद है, 90 डिग्री का जो ट्राइंगल बनाती है यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है दिस वन, ठीक है, और दो जो एंगल लास्ट में बच गया ये दोनों मिला के क्या होगा, ये दोनों मिला के 90 डिग्री, क्योंकि जो ट्राइंगल में होती है टोटल जो डिग्री होती है 180 डिग्री होती है, याद है ना, 180 डिग्री होती है। मीन्स हम जैसे ए बी और सी मान लिए, कंसिडर कर लिए इसको, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए दिख रहा है हमारा 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे देख पा रहे हैं एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 में माइनस करेंगे 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री, दोनों को एडिंग करने के बाद हमारा 90 डिग्री आएगा और ये सिंगल हमारा 90 डिग्री हो। तो इस टाइप के जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे इस चैप्टर में सारे इसी टाइप के ट्रायंगल्स बनेंगे, 90 डिग्री के ही ट्रायंगल्स बनेंगे, तो वही हम डिस्कस करने वाले, वही हम पढ़ेंगे एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में, वही हम पढ़ने वाले। और ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जा रहा है, 180 माइनस 90 कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, तो हो गया ना, दो डिग्री मिला के मीन्स दो एंगल मिला के हमारा 90 डिग्री और ये सिंगल 90 डिग्री, मीन्स टोटल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल में। तो देखिए एक्चुअली में इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप्स के ट्राइंगल्स रहेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही होगा इसमें। जैसे इस टाइप के हो गए कुछ, जैसे पोल है यहाँ पे खड़ा है पोल, ठीक है, और यहाँ से कोई एक इंसान है, इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले, जनरल सी बात है यही पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई एक इंसान है वो इस पोल की टॉप को देख रहा है, यहाँ पे इस टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला देख रहा है, तो बताइए। और यहाँ पे जो होगा ये हमारा बेस है, मीन्स हमारा ये पोल जो खड़ा है वो जमीन पे ही खड़ा होगा, कहीं ना कहीं जमीन पे ही तो खड़ा होगा, जमीन पे ऐसे किए होंगे, इसको डिग किए होंगे उसके बाद खड़ा होगा।
तो इसकी हाइट निकालनी होगी, इसकी हाइट निकालनी होगी, पोल की हाइट क्या है। तो यही सब जो निकाला जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, यही सब निकाला जाता है, ठीक है। हाइट निकाल सकते हैं, या फिर ये जो देख रहा है उसे हम, ये जो लेंथ होगी इसकी लेंथ वो निकाला जा सकता है, या फिर इसकी लेंथ या फिर ये लेंथ, ठीक है। बट इसमें गिवन रहेगा टू लेंथ, वन टू, दो दिया हुआ रहेगा या फिर कोई एक दिया हुआ रहेगा तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा, जैसे यहाँ पे बलून है, कोई बलून में कैसे बनाऊं, बलून ऐसे, ठीक है, बलून ये है, ठीक, बलून यहाँ पे हमारा उड़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे कोई इंसान है, इस तरीके से कोई इंसान है, और यहाँ से देख रहा है कि बलून इस तरीके से यहाँ पे उड़ रहा है। एक्चुअली मैं इसके टॉप में बनाते हैं, यहाँ पे देख रहा है या फिर इसके ऊपर देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे ऐसे देख रहा है, ये देख रहा है, ओके। और ये जमीन पे खड़ा है, मीन्स हमारा ये इस तरीके से जमीन पे इस तरीके से खड़ा है। एक्चुअली में जब खड़ा होता है ना तो एक्चुअली में यहीं से दिखाया जाता है, जमीन से ही ऐसे दिखाया जाता है। ये इंसान का कोई हाइट नहीं होता है, डायरेक्टली यहाँ पे होता है, ठीक है, पॉइंट होता है, इंसान का कोई हाइट नहीं देता है। देन ये बलून को ऐसे देखा, फिर ये बलून धीरे धीरे उड़ते हुए कहाँ चला गया, इतना दूर चला गया, ये बलून इतना दूर चला गया। तो अब जो एंगल ऑफ दिस वन, जो इसकी बनेगी एंगल ये, ठीक, और यहाँ से इसकी हाइट लेंगे, इसकी हाइट यहाँ हो गया और इसकी हाइट हम इस तरीके से लेंगे। तो आप बताइए कि ये कितने डिस्टेंस पे उड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकालने दिया जाता है, तो यही सब निकालेंगे इस चैप्टर में, ये सारे डिस्टेंस निकालने दिए जा सकता है, या फिर ये डिस्टेंस निकालने दिया जा सकता है, या कोई भी एक हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाएगा, या फिर दो भी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो यही सब हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने वाले। अब आती बात है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो बता दें, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, बिटवीन द साइड एंड एंगल के बीच में। जैसे ये हमारा साइड हो गया और एंगल के बीच में जो रिलेशन बनाता है इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। इसमें आप लिख सकते हैं कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, कोई अगर पूछ दे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में, चलो ठीक है चैप्टर 8 आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है ये कोई पूछ सकता है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये होती है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, द साइड्स के बीच में, मीन्स ये जो साइड है इसके बीच में रिलेशन, एंड साइड एंड किसके बीच में, एंगल के बीच में, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन बन रही है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर हो गई बात, ठीक है। देन अब एक हम देखिए, इसमें एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे पहले निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, देन उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि ये जो भी निकालना दिया रहेगा, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, सो सारा फाइंड आउट करेंगे धीरे धीरे। बट रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे साइन, कॉस, टेन, ये सब पढ़े होंगे, तो वही सब का यहाँ पे जनरली यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, यही होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही सब चीज चलता है, ठीक है, साइन कॉस टेन, तो वही सब इसमें भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा जनरल सी बात है, ये हमारा कोई एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल ही होनी चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हमारा दिस वन ये टर्म, ठीक, यहाँ पे हम बी देते हैं, यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं, साइड का नेम दे दिए, ठीक है, पॉइंट का नेम दिए। देन तो ये जो साइड होती है ये 90 डिग्री की साइड होती है, हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ए होगा, ठीक है। देन तो इसे जो बोलते हैं ना, ये एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये जो होती है हमारी, ये होती है साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का अपोजिट साइड दिस वन, एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा साइड अपोजिट ऑफ किसकी, एंगल ए की, ठीक है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। और ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, याद है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और ये जो होती है, ये हमारी क्या होती है, बेस होती है, तो मींस एक्चुअली में इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये एंगल ए से एडजेसेंट है, मतलब एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला, ठीक है, मतलब सटा हुआ होना, एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए से
ये हमारा एडजेसेंट है, सटा हुआ है, और ये ऑपोजिट है, ठीक है, साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल, ये एंगल ए का ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। एक्चुअली में ये भी एडजेसेंट साइड है बट ये हाइपोटेनियस होती है, याद है ना। जैसे ये हमारा हुआ, नॉर्मल से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे ए बी सी मान लेते हैं, ये ए बी सी है ये हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, अगर हम कोई एंगल से देखें, कोई भी एंगल से, मान लेते हैं यही एंगल से देख रहे हैं, ये एंगल से नहीं देख सकते, सॉरी, मान लेते हैं कि ये एंगल से हम देख रहे हैं, कहीं यहाँ से और यहाँ से देखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री बना रहा है तो वहाँ से नहीं दे सकते, दूसरी जगह से देख सकते, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल बी से देख रहे हैं, एंगल बी से देख रहे हैं, तो जो सामने वाला होता है ना, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, पी होता है, पी बी एच लिखते हैं, याद है कुछ, तो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो हो जाती है जिस पे खड़ा है वो हो जाती है बेस, और ये हमारी हो जाती है हाइपोटेनियस, एच से डिनोशन करते हैं, याद आया कुछ। अगर हम लोग यहाँ से एंगल देखें, देखिए यही सेम बना देते हैं, ठीक है, सेम ट्रायंगल बनाएं, ए बी और सी, ठीक है, बड़ा छोटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम है ना, इधर ही 90 डिग्री हमारा है। अब यहाँ इस एंगल से देखें ना, इस एंगल से देखेंगे तो एंगल का जो साइड, और सॉरी मतलब जो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है पी, परपेंडिकुलर। तो अब ये जो है एक्चुअली में, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस ही रहता है, और इसकी थ्योरम भी होती है, याद है कुछ, ठीक है, तो बट यहाँ थ्योरम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये समझ लेंगे कि कोई भी एंगल से जहाँ से देखेंगे और अपोजिट जो साइड होगी, उस एंगल की अपोजिट साइड जो होगी, ठीक है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल दिस, तो वो हमारा परपेंडिकुलर रहता है, हमारा बेस रहता है, मीन्स हमारा ये जो ट्रायंगल है ना, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए दिस वन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए सी, और ये हमारा आ जाएगा बी, ठीक है, ये वाला टर्म्स को हम ऐसे करके खड़ा कर दिए, ठीक है, जैसे हमारा है ना, ये हमारा डस्टर है, ठीक है, डस्टर को हम ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दिए, बस सीधा खड़ा कर दिए, ऐसे था ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक है, देखिए सारा कन्वर्ट हो गया, यहाँ एंगल ये सी हो गया, ठीक है, यही एंगल हम निकाल लेते हैं, और ये जो एंगल के जस्ट सामने वाला मीन्स अपोजिट क्या होता है हमारा, ये पी परपेंडिकुलर, अब दिख रहा होगा पी हो रहा है, ये बी हो रहा है, ये हाइपोटेनियस हो रहा है, देखिए, ठीक है, तो हमेशा एंगल के जो भी अपोजिट साइड जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद जो बचा वो बेस होगा, एंड उसके बाद हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, क्लियर। तो यहाँ तक ये हमारी बेसिक थी, बेसिक सोचे कि बताना चाहिए, तो बेसिक हम बता दिए हैं, ओके, देन उसके बाद अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है वो हम जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, तो वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही एक्चुअली में वही है, ठीक, तो किस तरीके से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ओके, तो जैसे कि एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक हम ट्रायंगल लेंगे उसी से हम दिखाएंगे सबको, दिस वन, अब ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसे मान लिए, ए बी सी हम मान लिए, कंसिडर कर लिए, देन यहाँ पे हमारा बना रही क्या एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके, देन तो आप देखिए यहाँ पे आएगी बात कि एंगल ए देख ले, एंगल ए सॉरी एंगल बी से ले सकते हैं, या फिर एंगल सी से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके, तो एक्चुअली में हम इसका नेम ही चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, अब एंगल ए से हम यहाँ से सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कंसीडर करेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, एंगल ए ज़्यादा इजी पड़ता है, एंगल ए निकालते हैं, ठीक है, इसीलिए हम नेम ही चेंज कर दिए, ए बी और सी कर दिए, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ओके, और ये देखिए अब एंगल ए से कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज पी और दिस इज बी और दिस इज क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस एच स्मॉल एच, ठीक है, अब एक चीज हम लोग जानते हैं, नॉर्मल सब कोई जानता होगा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बाई एच क्या होता है, साइन का आता है, बी बाई एच किसका आता है, कॉस का आता है, पी बाई बी किसका आता है, टेन का आता है, मतलब यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये याद है, ये याद होना चाहिए,
पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो इसमें साइन आता है, ये कॉस आता है और ये हमारा टेन आता है। ठीक, इसी का उल्टा जैसे ही करते हैं, साइन का क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो ये हमारा एच बाई पी आ जाएगा, एच बाई बी आ जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा, सॉरी बी बाई पी आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। बस एक चीज़ हमें याद रहना चाहिए, जो कि जनरल सी बात है सबको याद नहीं होगा, तो फिर ये मेरे थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये साइन कॉस और ये हमारा टेन आता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, हम ये भी लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, दिस वन दिस। ठीक है, देन तो फर्स्ट हम निकालते हैं क्या, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए की साइन। ठीक है, मतलब एंगल ए से साइन, साइन का क्या होता है पी बाई एच होता है। पी जो है मीन्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी बाई एच, लिख दीजिए ऐसे दिखा रहे हैं पी बाई एच। पी मीन्स क्या है, हमारा कौन सा साइड है, बी और सी। देखिए पी और बी, सॉरी पी और एच, एच क्या हमारा ए सी हो गया। तो बस नॉर्मल सी बात है, निकल गया। ठीक है, रेशियो निकल गई हमारी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यही निकलती है। साइन का निकालना है तो दिस वन, क्लियर। उसके बाद आती है कोसाइन का, साइन के बाद कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉस भी बोल सकते हैं या फिर कोसाइन भी बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, टेन होता है वो। ठीक, तो यहाँ पे कोसाइन हम भी लिख दे रहे हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब कॉस देखिए, कॉस क्या है बी बाई में एच, बी बी क्या है हमारा ए बी बाई में, एच क्या है ए सी है, सिंपल। ठीक है, कोसाइन हो गया टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन मतलब क्या होता है पी बाई में क्या होता है बी, पी हमारा क्या निकला है बी एंड सी, और बी में क्या निकला है ए और बी हो गया साइड। ठीक, क्लियर हो रही है। देन उसके बाद अब देखिए, अब ये तीन चीज जब हम निकालने आ गया है तो इसका उल्टा जस्ट होता है कोसेक। ठीक है, इसका उल्टा कोसाइन का हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फिर टेंजेंट का हो जाएगा, मीन्स हमारा टेंजेंट है हाँ, तो कॉट टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, टेन का कॉट होता है, तो अपोजिट तो पता होगा। ठीक है, तो अपोजिशन वाला भी देख लीजिए, अगर नहीं पता होगा तो अभी यहाँ पे सीख लीजिए सारा। ठीक है, मेरे साथ साथ साइन का उल्टा हो जाता है कोसेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज मीन्स हमारा P बाई एच है, तो H बाई में हमारा हो जाएगा P। तो सिंपल यहाँ से, यहाँ देखिए H, H की वैल्यू क्या है A C, मतलब सिंपल हम इसको भी उल्टा कर सकते हैं B C, देखिए। ठीक है, देन उसके बाद है सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल A, एंगल A से ही सारा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उल्टा मीन्स हमारा H बाई में क्या हो जाएगा B, दिस इज इक्वल टू H, H मतलब क्या A C B, क्या है हमारा ए बी हो गया। ठीक है, अब एक बच गई है क्या, कॉट टेंजेंट बच गई है, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू, अब बताइए तो पी बाई बी था तो बी बाई पी हो जाएगा, जो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या है ए बी और पी की वैल्यू क्या है बी हो गया। तो मीन्स सारा रेशियो इस तरीके से निकाला जाता है, एक एक करके सारा रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखिए, उसके बाद हम बताएंगे साइन जो हमारा होता है ना, जीरो डिग्री, 35 डिग्री, किस तरीके से उसको वैल्यू हम चुटकियों में याद रख सकते हैं, हाथों में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। ये तो हम बता दिए ना, ये फॉर्मूला होती है, तो इस तरीके से निकाल, फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, अभी बता दिए ना जस्ट किस तरीके से निकला। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप बताएं भी कि एंगल किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एंगल पी हुआ और कहीं से भी एंगल हुआ तो सामने वाला जो होता है अपोजिशन वाला, अपोजिट साइड, वो हमारी क्या होती है पी होती है। ठीक है, सारा कुछ हम बता चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा गिवन, टेन ए दिया हुआ, टेन ए मतलब क्या समझेंगे,
टेन ए रेशियो दिया हुआ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4/3। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एनसीईआरटी जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक, मैट्रिक लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ द एंगल। अब एंगल कहाँ से बोल दिया है, एंगल किससे, ए से निकालनी है, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले तो ड्रॉ कीजिए इसमें जो बनेगा हमारा ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से होगी ट्राइंगल। ओके, आप इस साइड से भी बना सकते हैं, इस साइड से किसी तरीके से बना सकते हैं, बट एंगल ए से निकालनी है तो एंगल ए हम यहाँ ले लेते हैं, दिस वन, और ये दिस इज बी, दिस इज सी। अब देखिए टेन ए, टेन याद है, टेन ए, टेन की वैल्यू क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस टेन पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी मीन देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से अगर हम एंगल ए से देख रहे हैं, ये माना 90 डिग्री है, एंगल ए से देख रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो साइड बन रही है यहाँ पे, ये हमारी पी हो जाती है, दिस इज बी हो जाती है, दिस इज एच हो जाती है, होती है ना, ये हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये हर जगह पे यूज़ होगा, आप अगर हायर क्लासेस में भी जाएंगे वहाँ पे भी यूज़ होगा, 11, 12 में भी सारे जगह पे यूज़ होगा, ग्रेजुएशन करेंगे ग्रेजुएशन में भी यूज़ होगा। बट यहाँ पे अभी देखिए एंगल यहाँ से निकालेंगे अपोजिट साइड्स, दिस इज पी बी और ये हमारा एच होगा, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, टेन ए, टेन ए 4/3 मीन्स टेन हमारा क्या निकल रहा है, टेन ए इक्वल टू पी बाई बी निकलेगा, P मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स हमारा ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ये है जो कि हमारा B, दिस इज 3 दिया हुआ है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे क्या, कि एक्चुअली में ये रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं K के फॉर्म में, ठीक है, दिस इज 4K, दिस इज 3K, ये वाले टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं, ओके, नो डाउट, ठीक। देन उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन, ये यहाँ तक बना लेंगे, फिगर भी बनानी है एग्जाम में, ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो फिगर भी ड्रॉ करनी, फिगर में ही इस चैप्टर में मार्क्स मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, तो इसमें हमारा फिगर में ही ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है, 2-3 मार्क्स फिगर में मिलेंगे और सॉल्यूशन में फिर मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होगी, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे ये ट्राइंगल, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल हमारी ए बी सी है, जो कि हम ड्रॉ कर दिए, ओके। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारा गिवन एक्चुअली में दिया हुआ, नाउ गिवन दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है, गिवन दैट, जो एक्चुअली में देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो हम करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो हमारा गिवन है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो जो गिवन है वो भी हम लिखेंगे, ठीक है, तब जाके मार्क्स मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलती है, 10th 12th जो भी होता है स्टेप में ही मार्क्स मिलती है, तो स्टेप आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, कि हमारा टेन ए इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज करके आप लिख पाएंगे क्या, कि टेन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, पी बाई बी, मीन्स हम बोल सकते हैं पी हमारा है बी सी, बाई क्या है बी, मतलब ए बी, दिस इज इक्वल टू 4/3, ये लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखनी है, तरीका एक्चुअली में ये होता है लिखने का, क्लियर। देन देयरफॉर फॉर इफ क्या है, कि बी सी ये जो हमारा है एक्चुअली में साइड से इक्वल टू वैल्यू हम मान लेते हैं 4K है, एंड ए बी जो होगा वो हमारा 3K है, ठीक है, इसे 4K मानते हैं, इसे 3K मान लेते हैं, क्योंकि K के फिर यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो हमारा कैंसल आउट ही हो जाता है, ठीक है, इस वजह से आप K मान सकते हैं, K कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म ही है, K बोल सकते हैं डिनोशन हमारा जस्ट लाइक है, ठीक है। K इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, K इज अ पॉजिटिव नंबर, K हमारा पॉजिटिव नंबर है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, याद है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखिए हमें सारा का फाइंड आउट करनी है रेशियो, तो हमें H भी चाहिए,
जब हमारे पास पी है बी है तो हमारे पास एच भी होना चाहिए। एच होगा तभी तो बता सकते हैं साइन का आएगा फिर कॉस का आएगा, उसमें तो एच की जरूरत पड़ेगी है ना, पी बाई एच होनी चाहिए, बी बाई एच होनी चाहिए, देन पी बाई बी होनी चाहिए। तो पी बाई बी तो हमारे पास है, ये टर्म्स अगर निकाल लेते हैं देन हम तीनों से डायरेक्टली हम सिर्फ टेन को छोड़ के बाकी सारा रेशियो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। बस वही तो लास्ट वाली जो भी हमारी साइड एक बच जाती है उस साइड का हम लेंथ जरूर निकालेंगे। ये लेंथ ही दिया हुआ जस्ट लाइक थ्री के लेंथ है हमारा, फोर के लेंथ है ठीक है, तो थर्ड वाला जो साइड है उसकी लेंथ निकालेंगे, देन फाइनली हम रेशियो सारा कुछ निकाल सकते हैं। जो जितने भी रेशियो होते हैं, छः रेशियो होते हैं तो छः में एक गिवेन है, पांचों रेशियो इजीली निकाल सकते हैं ठीक है। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है क्लास 8-9 में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वी हैव, याद है कुछ, जो बड़े वाले होते हैं साइड ए सी, यही बड़ा वाला साइड है, इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या होता है, छोटे वाले साइड का स्क्वायर दोनों का सम, मतलब जैसे ए बी का ये स्क्वायरिंग करेंगे प्लस यहाँ पे बी सी का ये स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायर को हटाएंगे तो ये पूरा रूट अंडर चला जाता है ठीक है। थ्योरम याद है, बस यही थ्योरम लिखनी है, ए बी का वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा 4k का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस यहाँ 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा क्लियर। तो 16 और 9 25 हो जाएगा 25k स्क्वायर ठीक है, k स्क्वायर दोनों से कॉमन आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेस कर रहे हैं ए सी का ये होल स्क्वायर है, के इसको हम दोनों से कॉमन आउट किए तो यहाँ पे 9 + 16 हो गया ठीक है, देन तो 9 + 16 25 के स्क्वायर, ए सी का ये स्क्वायर हो गया, देन तो ए सी ये जो स्क्वायरिंग में है ना, स्क्वायरिंग इधर जाता है तो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है बताते हैं, जैसे हम टेकिंग रूट बोथ साइड ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है पता है, स्क्वायर रूट अगर करते हैं दिस वन, ये स्क्वायर रूट हम पूरा कर लें, जैसे आपको बच्चे ऐसे सिखा रहे हैं देखिए, ये कोई नहीं सिखाएगा, 25k स्क्वायर है ठीक है, तो ये टर्म्स है हमारे पास ठीक है, ये एज इट इज लिखे, इसके अंदर स्क्वायर रूट लिए, ये पूरा कंप्लीटली स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड, अगर लेनी है तो दोनों साइड लेनी होगी, एडिशन करते हैं दोनों साइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड करते हैं, तो स्क्वायर रूट लिए तो दोनों के साइड ले लिए स्क्वायर रूट ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। देन उसके बाद अब देखिए, जैसे स्क्वायर रूट अंडर ए सी, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है ना वो ए सी का पावर हो जाता है 1/2, पावर जो होती है 1/2 में जाता है कन्वर्ट होता है, ये जो स्क्वायर रूट है तो 1/2 में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगी क्लियर, बता रही समझ में ठीक। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा है ये 2 है ठीक है, ए सी का ये तो पावर 2 और ये जो रूट अंडर 2 है मीन्स इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है। और दिस इज इक्वल टू देखिए ये जो है 25 है तो 5 का इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और ये तो k स्क्वायर है ही, और ये रूट अंडर है मीन्स पूरा कंप्लीटली बोल सकते हैं कि ये 1/2 इसके साथ भी 1/2 इसके साथ भी हो जाएगा, होगा रूट अंडर जैसे जैसे रूट अंडर इसको ऐसे लिखे अब ठीक है ठीक। देन दिस इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल आउट, ए सी डायरेक्टली हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि 5 × 5 बोल सकते हैं, 25 5 × 5 दो टाइम्स लिख सकते हैं, तो रूट अंडर मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसको हम बाहर कर सकते हैं, दिस इज 5 हो जाएगा, और k दो बार भी लिखा हुआ है तो ये 5k हो गया, मीन्स हमारा ए सी का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 5k निकल गया, ये हमारा 3k तो वो 4k तो वो हमारा 5k हो गया है, और वो बड़ा ही निकलेगा। देखिए अगर आप 2k निकाल लें मतलब आप कहीं गलत किए, क्योंकि वो साइड ए सी जो होगा वो 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा है हमारा साइड ठीक है, बड़ा साइड होता है तो 4 और 3 से बड़ा ही होगा जो कि हमारा 5 है, तो 5k निकल गया। तो सिंपल सी बात है, ए सी का वैल्यू जब 5k निकल गया है तो हम इजीली कर सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं ना, इजिली सारे रेशियो निकाल सकते हैं जितने भी बच गए, रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग बोला जाता है जो बचा हुआ रेशियो होता है रिमेनिंग बोला जाता है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता है ठीक है, इतना डिटेल्स में कोई नहीं बता, डायरेक्ट बोलता है कि ए सी मीन्स स्क्वायर है इधर जाएगा रूट होगा, हम भी बचपन में पढ़े थे स्कूल में डायरेक्टली हमको बताया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं होता, रूट अंडर से अगर बोथ साइड्स लेते हैं तो रूट की वैल्यू जो होती है पावर 1/2 होती है, तो उस हिसाब से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ए सी हो जाता है ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा क्लियर।
ठीक है। और अगर अच्छी लगती है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास 10 का स्टूडेंट आप लोग का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम स्पीड भी पढ़ा रहे हैं तो भी बताइएगा, अगर अच्छी पढ़ा रहे हैं तो भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। ओके देन उसके बाद नाउ वी कैन राइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वी कैन राइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, अब इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन कोस टेन अब लिख सकते हैं, साइन कोसाइन अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो था वो फॉर्मूला के लिए यूज किया गया था, इस वजह से हम बताए हुए थे, बट हम वहाँ पे भी बोलते हैं साइन कॉस टेन नॉर्मल लिख सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, याद है कुछ, साइन ए का वैल्यू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये नहीं भूलिएगा। तो पी बाई एच, पी बाई एच, पी और बाई एच, मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली बी सी बाई में ए सी। तो बी सी क्या वैल्यू है इसका, 4K, यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या निकल गया, 5K, के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कॉस ए, कॉस ए मीन्स क्या हो गया, कॉस बी बाई एच, बी हमारा है ए बी, एच हमारा क्या है ए सी, तो हमारे क्या हो जाएगा 3K बाई में यहाँ पे 5K क्या हो जाएगा, 3/5, सिंपल, ठीक है। अब 10 तो हमारे पास गिवन दिया हुआ ही है, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं साइन का कोसाइन लिख दीजिए, ठीक है, साइन सॉरी कोसाइन बोल रहे हैं, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक मतलब बोल सकते हैं कि उल्टा हो जाएगा ए सी बाई में बी सी, दिस इज इक्वल टू 5K बाई में 4K, दिस इक्वल टू 5/4, ये हो गया इसका ऊपर कॉसेक। उसके बाद सेक होता है, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई में ए बी, दिस इज इक्वल टू 5K बाई में 3K, दिस इज इक्वल टू 5/3, ये हो गई, ठीक है। देन उसके बाद 10 का हो जाता है कॉट ए, जो कि होता है बी बाई सॉरी बी बाई पी होता है, बी हमारा क्या है ए बी बाई में पी, मतलब बी सी, तो ए बी हमारा क्या है 3K बाई में 4K, 3/4, ऐसे गिवन था 4/3 और 3/4 आ गया, तो सारा रेशियो आ गया। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो कि रेशियो का हम किस तरीके से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके से रिमेनिंग निकलता है, दो साइड अगर गिवन दिया हुआ है तीसरा साइड निकाल लेनी और सारी रेशियो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए बस, ठीक है। जो कि फॉर्मूला इस तरीके से होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस खत्म कहानी, बस सारा रेशियो निकल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।